हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम आधुनिक राजस्थान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान का जो प्रेजेंट मोमेंट है, राजस्थान का जो किसान आंदोलन है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। और किसान आंदोलन में विशेष रूप से बिजोलिया के किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में भी किसान आंदोलन है वो चल रहे हैं। इन किसान आंदोलन की शुरुआत है वो आधुनिक राजस्थान में कब हुई, इन किसान आंदोलन के क्या कारण थे, क्या उद्देश्य थे, और ये किसान आंदोलन अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफल रहे, इन सभी पहलुओं की चर्चा हम इस व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि किसान आंदोलन का महत्वपूर्ण कारण किसानों में उत्पन्न असंतोष था, और ये असंतोष वहाँ के जो जागीरदार हैं, राजस्थान के जो जागीरदार हैं या सामंत जिसको हम कहें, उन्होंने राजस्थान के किसानों पर है वो भिन्न प्रकार की लाग बाग हैं, भिन्न प्रकार के जो कर हैं आरोपित कर दिए, भिन्न प्रकार की बेट बेकार है, लगान की ऊंची दर ली जाती थी, भिन्न प्रकार के टैक्सेस वसूल किए जाते थे। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान के जो किसान हैं वो काफ़ी मेहनत करने के पश्चात भी दीनहीन अवस्था के अंदर है वो रह रहे थे। उनका भरण पोषण, अपने परिवार का लालन पालन करना उनके लिए कठिन हो गया था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने सामंतों के विरुद्ध वो आंदोलन करने का निर्णय किया। तो आधुनिक राजस्थान के जो विभिन्न किसान आंदोलन हुए वो विभिन्न जाति के लोगों के द्वारा एक जो संगठित आंदोलन थे, और विभिन्न जाति के लोगों ने उन्होंने समय समय पर ये आंदोलन किए। आधुनिक राजस्थान का जो पहला किसान आंदोलन है वो जाट किसान आंदोलन को माना जाता है, जो मेवाड़ में हुआ। लेकिन राजस्थान का जो पहला जो संगठित आंदोलन है, ऑर्गेनाइज जो आंदोलन की हम बात करें, तो वह बिजोलिया का किसान आंदोलन था, और जो राजस्थान में सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था, अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन में न केवल पुरुषों ने अपितु महिलाओं ने भी है वो भागीदारी अदा की। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिजोलिया राजस्थान के अंदर जो मेवाड़ रियासत थी, उसमें वर्तमान में जो भीलवाड़ा ज़िला है उसमें एक महत्वपूर्ण ठिकाना था, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, सदर मुकाम था। और इस ठिकाने की स्थापना का जो श्रेय है आप जानते हैं कि अशोक परमार को जाता है, जिन्होंने जो राणा सांगा है उनको खानवा के युद्ध के अंदर सहयोग प्रदान किया था। फलस्वरूप राणा सांगा ने है वो अशोक परमार को है वो बिजोलिया की जो उपरमाल की जो जागीर है वो प्रदान की थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिजोलिया का जो किसान आंदोलन है वो बिजोलिया के जो सामंत है और किसानों के बीच में है वो संबंध अच्छे थे। जो बिजोलिया का जो सामंत जो जो केशवदास था तब तक है वो अच्छे थे, और राव केशवदास ने है वो मराठों को भी है वो बिजोलिया से बाहर निकालने में है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसलिए बिजोलिया के जो धाकड़ जाति के किसान थे वो एक तरह से है वो केशवदास के सहयोगी थे। लेकिन केशवदास की मृत्यु के पश्चात बिजोलिया का जो नया जागीरदार गोविंददास बना, और गोविंददास के बाद में जो कृष्ण सिंह जो बिजोलिया के जागीरदार बने, उनके समय में बिजोलिया के किसानों की हालत है वो अत्यंत दयनीय हो गई थी। और राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया जो किसान है उनसे 84 प्रकार के है वो विभिन्न प्रकार के कर वो वसूल किए जाते थे, जिनमें भू राजस्व कर है वो काफ़ी ज़्यादा था, और भू राजस्व कर है वो नगद लेना भी राव कृष्ण सिंह ने प्रारंभ कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में नगद चुकाने के लिए किसानों को है वो जागीरदारों की शरण के अंदर वो जाना पड़ता था, और ऐसी स्थिति के अंदर है वो उनका शोषण वो बढ़ जाता था। इसके अलावा बिजोलिया के किसानों से लाटा और कुंता जो 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 लगान जो मेजरमेंट करने की एक महत्वपूर्ण पद्धति थी, जिसके अंतर्गत जो अनाज को जो गठरियों के अंदर जो बांधा जाता था उसके आधार पर यह लगान वसूल किया जाता था। खड़ी फसल के अनुमान के आधार पर है वो एक तरह से है वो लगान वसूल कर लिया जाता था।
सामंत है वो गांव में आते थे, तो उनका उनके खाने पीने की का जो प्रबंध है वो किसानों को करना पड़ता था, जिसको खिचड़ी का कहा जाता था। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि बिजोलिया के जो किसान हैं उनको लाग बाग है, विभिन्न प्रकार की लागतें हैं, वे किसान विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते थे, तो कार्य करते थे उनके एवज में, उनको हर कार्य के एवज के अंदर है वो विभिन्न प्रकार के कर देने पड़ते, जिसको लागत कहा जाता था, बेट बेकार है, बिना पारिश्रमिक के है वो, उनसे काम लिया जाता था। लाटा और कुंता की जो हमने बात की, वो प्रथा प्रचलित जो किसानों के लिए देनी थी, क्योंकि माप के आधार पर है वो, सही मेजरमेंट के आधार पर है, यदि राजस्व वसूल किया जाता था तो किया जाता तो नेचुरली है वो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये अनुमान के आधार पर है, एक तरह से वसूल किया जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा वसूल कर लिया जाता था, भू राजस्व की दर भी अधिक थी। तो इस तरह से बिजुले के किसानों पर जो विभिन्न प्रकार के जो कर थे, जो उसके कारण से बिजुले के किसान है वो काफ़ी परेशान थे। और लेकिन बिजुले के किसानों ने है वो एक तरह से है वो संतोष को व्यक्त करने का, उनको एक जो मंच प्रदान करने का जो काम है या जगह प्रदान करने का जो काम है, वो एक तरह से हम कहें कि जो बिजोलिया का एक 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 महत्वपूर्ण जगह थी गिरधारीपुरा, तो वहाँ पर गंगाराम धाकड़ है, उसके पिता का देहांत हो गया था, और उसके जो मूर्तिभोज के अवसर पर है बिजोलिया के जो किसान हैं वो एक तरह से आप जानते हैं कि वो गिरधारीपुरा एकत्रित होते हैं, और वहाँ वह उन पर जो बिजोलिया के किसान, जो बिजोलिया के जो सामंत है, वो किसानों से जो वैधानिक जो कर वसूल कर रहे थे उनकी चर्चा की जाती है, और उसी जो मृत्युभोज के अवसर पर है वो किसान ये निर्णय लेते हैं कि वे बिजोलिया के जो 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 मेवाड़ की जो महाराणा फतेह सिंह है उनसे वो इसकी शिकायत करेंगे। और फलस्वरूप जैसे आप जानते हैं कि बिजोलिया के जो दो किसान हैं, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल है, उसको उनको है वो मेवाड़ के महाराणा के यहाँ राव कृष्ण सिंह की जो शिकायत है वो करने के लिए भेजा जाता है। काफ़ी प्रयास के पश्चात राव कृष्ण सिंह को है वो मेवाड़ के महाराणा से मिलने का अवसर मिलता है, लेकिन मेवाड़ के महाराणा ने है वो केवल एक तरह से चेतावनी देकर कि ही राव कृष्ण सिंह को मुक्त कर दिया, और उन पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं की। एक हामिद हुसैन नामक व्यक्ति को है वो जाँच अधिकारी नियुक्त कर दिया, हालांकि जाँच अधिकारी ने ये अपनी रिपोर्ट में कहा कि वास्तव में बिजोलिया के जो किसान हैं वो अवैधानिक कर रहे हैं, इलीगल जो टैक्स है वो बिजोलिया के किसानों से वसूल कर रहे हैं, लेकिन राव फतेह सिंह ने, राणा फतेह सिंह ने, उन्होंने कोई विशेष कार्रवाई नहीं की राव कृष्ण सिंह पे। तो राव कृष्ण सिंह के हौसले काफ़ी बुलंद हो गए, और उन्होंने पता लगाया कि उनकी शिकायत किसने की, नानजी पटेल ठाकरी पटेल ने की, तो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को उन्होंने एक तरह से है वो बिजोलिया से निष्कासित कर दिया, और बिजोलिया के किसानों को दंडित करने के लिए है वो जो राव कृष्ण सिंह है उन्होंने बिजोलिया के किसानों पर है वो 1903 के अंदर है वो एक और कर लगा दिया, जिसको चवरी कर कहा जाता था। और चवरी कर है वो, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी ठिकाने में किसी भी कोई भी किसान अपनी लड़की की शादी करता था, उस शादी के अवसर पर उन्हें 5 रुपये ठिकाने को देना पड़ता था। तो बिजोलिया के किसान पहले से ही है वो विभिन्न प्रकार के करों से त्रस्त थे, वो चुकाने में असमर्थ थे, अभी एक नया प्रकार का जो कर उन्होंने लागू कर दिया उनको चुकाने के लिए वो एक तरह से असमर्थ हो गए। तो ऐसी स्थिति में बिजोलिया के किसान है वो बिजोलिया छोड़ कर के वो ग्वालियर की तरफ चले गए, लेकिन राव कृष्ण सिंह के समझाने पर है वो वापस है वो बिजोलिया वो आ जाते हैं। इसके पश्चात है वो 1906 के अंदर है वो राव कृष्ण सिंह की है वो मृत्यु हो जाती है, और उनके कोई लड़का नहीं था, तो ऐसी स्थिति में भरतपुर के गजनेर से हैं वो राव पृथ्वी सिंह को बुलाया जाता है और उनको नया सामंत बनाया जाता है। तो उस समय ये परंपरा थी कि कोई भी नया सामंत बनता था तो उनको राणा को है उसको सामंत को राणा को सामंत है वो राणा को है वो एक विशेष प्रकार का जो कर है जिसको तलवार बंदाई कहा जाता था या उत्तराधिकार शुल्क कहा जाता था वो देना पड़ता था। तो पृथ्वी सिंह ने यह कर है वो अपने किसानों पर लगा दिया। तो किसान पहले ही विभिन्न प्रकार के करों से त्रस्त थे, एक नया प्रकार का कर जो पृथ्वी सिंह ने लगाया जिसको तलवार बंदाई या उत्तराधिकार शुल्क है वो कहा जाता था वो देने के अंदर असमर्थ थे।
तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि किसान है वो बहुत परेशान हुए। तो कहने का मतलब ये है कि बिजोलिया का जो किसान आंदोलन की जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो बिजोलिया के किसान आंदोलन है वो प्रारंभ के अंदर है, वो एक प्रकार से है, वो एक असंगठित आंदोलन था। और जो इसका जो इसका इसकी प्रारंभ में उनका नेतृत्व है वो साधु सीताराम दास है, फतेह करण चारण है, ब्रह्मदेव जैसे व्यक्तियों ने किया। और ऐसी स्थिति के अंदर इनको कोई विशेष सफलता आगे नहीं मिली। लेकिन बिजोले के किसान आंदोलन का नेतृत्व जब विजय सिंह पथिक, जो भूप सिंह के नाम से जिनको जाना जाता था, उन्होंने जब आंदोलन का नेतृत्व किया तो एक वेल ऑर्गेनाइज रूप के अंदर किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला, 1897 से 1941 तक, 1844 साल तक चलने वाला ये आंदोलन था। और इस आंदोलन को हम साधन की सुविधा की दृष्टि से हैं वो 3 चरणों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। प्रथम चरण के अंतर्गत 1897 से लेकर के है वो 1905 तक का, सॉरी 1897 से लेकर के 1915 तक का चरण कह सकते हैं, जिसमें बिजोले के किसान आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्ति नानजी पटेल, ठाकरे पटेल या साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेह करण चारण जैसे व्यक्तियों ने हैं वो बिजोले के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। और 1916 के अंदर बिजोले के किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक है, हरिभाऊ किंकर और मन्ना पटेल है, उनके हाथों में बिजोले का किसान आंदोलन का नेतृत्व रहता है। और उसके पश्चात 1927 के अंदर बिजोले के किसान आंदोलन का नेतृत्व है, या 1923 से 1941 तक का हम कहें तो वहाँ बिजोले के किसान आंदोलन का जो तीसरे चरण है उसमें सेठ जमनालाल बजाज है, हरिभाऊ उपाध्याय है, रामनारायण चौधरी है, माणिकलाल वर्मा है, और 2 महिलाएं हैं जिसका नाम रमा देवी और जानकी देवी आप परिचित हैं, उनके नेतृत्व में रहता है। तो हम इस बिजोले के किसान आंदोलन के ये जो 3 चरण हैं उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि किस तरह से ये आंदोलन चला और किन किन लोगों ने इस आंदोलन के अंदर है वो सहभागिता अदा की और उनको कहाँ तक सफलता मिली। तो देखिएगा, बिजोलिया का जो किसान आंदोलन है वो राजस्थान का पहला संगठित, सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था, नॉन वायलेंट मोमेंट था। और ये जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन के प्रभाव से है वो राजस्थान के अन्य हिस्सों के अंदर भी, उसकी प्रेरणा से है राजस्थान के अन्य हिस्सों में भी किसान आंदोलन होता है। और एक तरह से जो किसान है वो जो एक तरह से उन पर जो शोषण हो रहा था, अत्याचार हो रहे थे, उनसे एक तरह से मुक्ति की जो लालसा थी उसके कारण से उन्होंने किसान आंदोलन किया। अपने अधिकारों के को प्राप्त करने के लिए है उन्होंने आंदोलन किया। और इस आंदोलन ने राजस्थान के किसानों में एक राजनीतिक, एक पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो पैदा हुई, राजनीतिक जागृति वो पैदा हुई। और इस आंदोलन के कारण से, राजनीतिक जागृति के कारण से राजस्थान के जो नेशनल मूवमेंट जो चला उनमें भी इन किसान आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो अगले व्याख्यान के अंतर्गत हम इन किसान आंदोलन की एक व्यापक रूप के अंदर है वो चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।